नमस्कार, बीसी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। कोरोना महामारी ने पिछले एक साल से कहर किया है। पहली और दूसरी लहर के बाद अब चर्चा तीसरी लहर की है और तीसरी लहर से बचने की सुविधाओं की बातें हो रही है और सुविधा उपलब्ध करवाने की चर्चाएं की जा रही है। तो दूसरी ओर तीसरी लहर ने विदर्भ में दस्तक दी है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है पशु संवर्धन मंत्री और दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार। इन्होंने आइए जानते हैं उनकी जुबानी। कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड्स की मारामारी, दवाइयों की कमी, कालाबाजारी, वन्य जीवन रक्षक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचे के न होने से हजारों लोगों की जान गई है। अपने आर्थिक समृद्धि के प्रतीक रहे देश के बड़े बड़े शहरों में एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती बन गया था और इन सब ने हमें एक सबक सिखाया है कि किसी भी देश के लिए ठोस स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ी जरूरत है। अब कोरोना की तीसरी वेव और संक्रमण की बातें चल रही है और तीसरी लहर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी लहर के संसाधन उपलब्ध किए जाने की बातें ही हो रही है, लेकिन तीसरी लहर ने महाराष्ट्र के विदर्भ में दस्तक दे दी है। जी हाँ, यह सच है और यह दावा हमारा नहीं बल्कि यह दावा है राज्य के जिम्मेदार पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार इनका। नागपुर शहर में मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद के दौरान मंत्री सुनील केदार इन्होंने यह कहा है कि अमरावती में तीसरी लहर आ चुकी है। मागच्या 8 दिवसांमध्ये ही कडक भूमिका घेतली आहे, मान्यच करतो मी, न्यायशास्त्राचा भाग नाही। त्याच्या मागची भूमिका कोणाला त्रास द्यायचं नव्हतं, त्याच्या मागची भूमिका आमची एवढीच होती आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला यशही आलेलं आहे। त्याच्यामागची भूमिका एवढीच आहे की जो कोविडचा त्या ठिकाणी प्रादुर्भाव आहे त्याच्यामध्ये सामान्य माणसाचा त्या ठिकाणी होणार नुकसान आहे। कारण आपण सगळेजण मान्यच करू का की हा व्हायरस जो आहे ह्या व्हायरसने गरीब लोकांचे त्या ठिकाणी किंवा कोणाही माणसाचा जीव चाललेला आहे आणि माणसाचे जीव वाचवणं हे शास्त्राचं त्या ठिकाणी असलं प्रथम कर्तव्याचा भाग आहे। कोणाला त्रास द्यायचा म्हणून नाही, केंद्र शास्त्राकडनं आलेले जे रिपोर्ट्स आहे आणि राज्यशास्त्राकडनं आम्हाला जे आम्हाला जे रिपोर्ट्स घेतो त्या व्हायरसच्या संबंधी सेकंड फेज थर्ड फेज ही जास्त येऊ शकते वर्ध्यामध्ये, अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी वर्तवलेला आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये ऑलरेडी सुरू झालेला आहे आणि तसं त्या जिल्ह्यामध्ये होऊ नये म्हणून एक खबरदारीचा भाग बघू आहे, बाकी कोणाला त्रास द्यायचा विषय नाही आहे। प्रशासन तीसरी लहर से निपटने की नियोजन बनाने में जुटा है, तो दूसरी ओर तीसरी लहर ने विदर्भ में दस्तक दी है। राज्य सरकार और प्रशासन है कि अभी भी नियोजन ही कर रही है। दूसरी लहर की तीव्रता को तो हम सब ने देखा और महसूस किया। राज्य सरकार और प्रशासन ने अब तक आरोग्य सुविधाओं से लैस होना यह समय की मांग थी। अब देखना यह होगा कि राज्य की जनता को तीसरी लहर के कहर से राज्य की सरकार कैसे बचा पाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज, नागपुर। तो आज की बीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला है यही रुकने का। नमस्कार।